Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Quadratic Equations. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of train. तो speed of train को हम let कर लेते हैं x km per hour. ठीक है? देखो, जब हमें इस तरीके से दिया होता है कि ये 1 hour less ले रहा है, तो भाई हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो टाइम में बनाएंगे, ठीक है? और तुम्हें पता होता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इससे टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? सो यहाँ पर हम इस फॉर्म में इक्वेशन बनाने वाले हैं. जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो टाइम कितना लेगा, टाइम टी वन ले लेते हैं इसको. ये हो जाएगा डिस्टेंस है 360 और स्पीड है हमारी x, ठीक है? अब ये कहते हैं कि इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर. अब स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो गई. तो टाइम कितना हो जाएगा t2, ये हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5. इतनी बात क्लियर हो गई. तो नेचुरली जब हमारा स्पीड बढ़ जाती है तो वो टाइम कम लेता है, वो कहते हैं 1 आवर लेस लेता है. तो भाई इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेचुरली जो t2 है ये टाइम कम लेगा ना क्योंकि स्पीड बढ़ गई. तो t1 माइनस t2 दैट इज इक्वल टू 1. तो t1 है 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे. देखो ये जो एलसीएम होता है, जब पॉलिनोमियल का एलसीएम लेते हैं तो ये ऐसे ब्रैकेट में आ जाते हैं, और सिंपली अगर सेम नहीं होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 360 एक्स प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा इससे, तो 360 एक्स दैट इज इक्वल टू 1. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 360 एक्स प्लस 360 इंटू 5, तो ये आ गया 1800 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 1. देखो ये हो गया कैंसिल, ठीक है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस 5x, या 0 इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है? इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0. अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने, 1800 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 1800 इसके फैक्टर्स बनाएंगे, माइनस 1800 एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स जिनका सम 5x आ जाए, ठीक है? तो देखो थोड़ा सा टफ है, ध्यान से करना पड़ेगा. मैं तो इजीली कर लूँगी, लेकिन तुम लोगों के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे प्लस के 45x और माइनस के 40x, ठीक है? ये बनेंगे. और अगर तुम्हें स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो सिंपल सी चीज़ होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस लिए होता है, लेकिन ध्यान रहे उसमें भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है. तो जिस भी मेथड से तुम्हें यूज़ करना आ रहा है उसी मेथड से कर सकते हो. बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बताया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर हमारे फैक्टर्स बन गए प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x प्लस 45 और इन दोनों में कॉमन आ गया माइनस 40, x प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया x प्लस 45 और x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0. इससे हमारी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 40 और दूसरी आ गई माइनस के 45, ठीक है? और ये माइनस के 40 में स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम इसको कर देंगे रिजेक्ट. तो हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ऑल द बेस्ट.